ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. थैंक यू सो मच जीविता. सो जैसे जीविता मैम ने बताया, आज का जो टॉपिक है वो अपना मेन टॉपिक है, जिसके लिए हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए. और लोग गलत फहमी कर लेते हैं कि हमने न्यूट्रिशन चालू किया है तो हमारा वजन कम हो जाएगा. लेकिन न्यूट्रिशन शुरू करने के साथ में ही हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी होती है, कैलोरी इनटेक को मैनेज करना होता है, उसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे. ठीक है, सो बिफोर गेटिंग इनटू माय टॉपिक, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जो नए लोग हैं. मेरा नाम पूजा मानिक पवार है और इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के साथ मेरी मुलाकात तकरीबन 8 साल पहले हुई थी, जब मैं 19 साल की थी और बहुत सारा वजन बढ़ाया था मैंने. बैठने को उठने को तकलीफ होती थी, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, बहुत सारे हेल्थ के कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे क्योंकि खाने पीने पे कुछ भी कंट्रोल नहीं था, किसी भी लाइफस्टाइल की आदत पे कंट्रोल नहीं था, एक्सरसाइज करना मुझे पसंद नहीं था. देखिए यार, कितनी सारी चीजें मैं कवर कर रही हूँ. अगर आपको सेहतमंद लाइफ चाहिए तो सिर्फ आपको कम खाना खा के नहीं होता है, बाकी सारी चीजों को भी कंट्रोल करना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन मैंने मेरे कम उम्र से ही अपनी सेहत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके कारण मोटापा बढ़ने लगा. और जैसे ही मोटापा बढ़ने लगा, बहुत सारे शरीर की समस्याएं बढ़ने लगी और एक ऐसा टाइम आ गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता, आई नीड हेल्प, ऐसा सिचुएशन आ गया. और मैंने एक ऐसी सिस्टम को सरेंडर कर दिया जहां पे अच्छी आदतों के बारे में सिखाया जाता है. मैंने अपना दिमाग यूज करना बंद कर दिया और जो ये सिस्टम सिखाती है उस चीज को फॉलो करना शुरू किया. देखिए मैं और मानिक सर कैसे दिखते थे, दिख रहे हैं? 2018 साल की थी मैं. ओके, एंड बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस. सो अपने दिमाग से तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था, अपना दिमाग बंद कर दिया. इन लोगों का, मेरे कोचेस का दिमाग इस्तेमाल करना मैंने शुरू किया. अमेजिंग अच्छी हेल्थ को मैंने पाया है. जितने भी हेल्थ चैलेंजेस लेके आई थी, थैंक्स टू गुड न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस, ऑलमोस्ट सारे हेल्थ चैलेंजेस चले गए. अच्छा खासा वजन कम हुआ, कॉन्फिडेंस गेन हुआ, हेल्दी स्किन मिला, हेल्दी हेयर्स मिले, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बचपन में मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे और एक टाइम ऐसे आ गया था कि मुझे बॉयकट तक जाना पड़ा क्योंकि इतना हेयर फॉल होता था. थैंक्स टू दिस अमेजिंग कम्युनिटी एंड अमेजिंग न्यूट्रिशन. ओके, सो ये मेरा 8 साल का जर्नी है. ये जर्नी मेरे फैमिली में हर कोई व्यक्ति फॉलो करता है. आज हमारे घर का नाश्ता पूरी तरीके से चेंज हुआ है. गैस जलता है लेकिन वो डायरेक्टली दोपहर के खाने के लिए. सोचिए आप, डायरेक्टली दोपहर के खाने के लिए हमारा गैस ऑन होता है, भले ही प्रिपरेशन सुबह से चले लेकिन चूल्हे पे बना हुआ खाना हम दोपहर को 12 से 1 के बीच में खाते हैं. क्यों? अगेन, कैलोरी मैनेजमेंट. अगर आप सुबह सुबह कैलोरी से भरा हुआ और पोषण से कम होने वाला खाना खाएंगे तो आप नोटिस करोगे कि दिन भर आपको थोड़ी थोड़ी करके हमेशा भूख महसूस होगी. और एक इम्पॉर्टेंट चीज, किसने बोला है कि वजन कम करने के लिए आपको कम खाना जरूरी है? गलत. आपको वजन कम करने के लिए डिजायर कैलोरी, आपके शरीर के जरूरत के अनुसार कैलोरीज का इंटेक करना बहुत जरूरी है. जैसे सबको पता है कैलोरीज क्या होती है, दिन भर जो भी हम काम करते हैं, इवन रात को जो हम सोते हैं उसमें जो हमारी सांसें चलती है, बाकी सारे शरीर के एक्टिविटी चलती है, उसके लिए ताकत, ऊर्जा की जरूरत होती है. और हमें ऊर्जा मिलने का सोर्स क्या है? खाना. हम तो एलियंस नहीं है कि धूप धूप करके एनर्जी ले ले, राइट? तो खाना ही हमारा एनर्जी का सोर्स है, जिनको मापने का यूनिट है कैलोरीज, क्योंकि हर एक चीज की एक सीमा होती है. शरीर में खाना लेने की, ऊर्जा लेने की भी एक सीमा है. अगर उसको हम सही तरीके से बैलेंस ना कर पाए, उसको कंट्रोल ना कर पाए, तो धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है. कभी कभार ऐसे भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जितनी चाहिए उतनी ऊर्जा खाने से लेते हैं, लेकिन उनके शरीर की प्रक्रिया
सही तरीके से ना होने की वजह से जो भी वो खाना खा रहे दिखता नहीं है, वो हमेशा अंडरवेट रहा करते हैं, राइट? तो ये दोनों ही चीजों में कैलोरीज का इंटेक पे ध्यान देना बहुत जरूरी। कुछ लोग जरूरत से कम खाना खाते हैं इसलिए उनका वजन हमेशा कम पाया जाता है, कुछ लोग हमारे जैसे जो होते हैं बहुत ज्यादा हद के बाहर खाना खाते हैं, तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए? हम एक कॉमन पर्सन है, हम सबके घर में ऑलमोस्ट सेम तरीके का खाना बनता है, राइट? जिसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फाइबर एंड प्रोटीन। ये हर एक घर में अभी कॉमन लोगों को पता है। अगर हमें सही तरीके से जरूरत के अनुसार खाना लेना है, वो भी मेजर्ड कैलोरीज में, तो इन तीन सोर्सेस से हमें कितना कैलोरी मिलता है वो देखना पहले इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे पहला हम ध्यान देंगे जो सबके घर में 1000% होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, पोहा, उपमा, शीरा, चाय, चपाती, राइट? ये सारी चीजें जो खाने के तौर पे हम लोग खाते हैं उसमें कैलोरी आती है, तो उसका कैलकुलेशन होता है पर ग्राम आपको 4 कैलोरीज मिलेगी। लेकिन देखिए एक मजेदार बात, कार्बोहाइड्रेट्स में ना फाइबर होता है ना प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या है वो? सिंपल एनर्जी है। वो खाने के बाद आपको ताकत तो महसूस होगी लेकिन उसका शरीर में उतना 100% यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगी। सेकेंड है फाइबर, फाइबर भी खाने में से आता है। खाना मतलब क्या? एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर वो एनर्जी में अगर फाइबर है तो उससे क्या होता है पता है आपको? एनर्जी तो मिलेगी लेकिन पेट सफा रहेगा, पेट भरा हुआ रहेगा, बार बार आपको खाने की जरूरत नहीं है, बार बार ऐसा मन नहीं करेगा चिप्स खा ले, फलाना चीजें खा ले, शॉर्मा खा ले जाके, राइट? तो उन चीजों पे कंट्रोल आ जाता है। तो मेन कार्बोहाइड्रेट्स अगर 1 ग्राम में आपको 4 कैलोरीज दे रही है तो आपको मेक श्योर करना है उसमें फाइबर का इंटेक होना, बहुत फाइबर भी होना जरूरी है। इसीलिए आपको बोला जाता है दिन में 1 से 2 बार फ्रूट खाया कीजिए और दोपहर के खाने में पेट भर के सलाद का उपयोग कीजिए, जो कच्चा सलाद रहेगा, ठीक है? सेकेंड आता है हमारा फैट। फैट को हमें एज पर काउंट 1 ग्राम पे 9 कैलोरीज, सबसे हाईएस्ट कैलोरी इंटेक। जैसे आपने सुना होगा अगर अरे वजन घटाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तेल, शक्कर, घी, बटर, चीज, मेयोनीज, ये सारी चीजें खाने में से हटा दो अपने आप वजन कम हो जाएगा, विच इज फैट, क्योंकि वो कम खाने में ज्यादा कैलोरी देगा आपको। और उसका सेवन अगर आप हद से ज्यादा करोगे तो डेफिनेटली आपका दिन भर का जो इंटेक है उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन शरीर को अच्छा रहने के लिए अच्छे फैट की भी जरूरत होती है, जो होता है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। वो आपको लिमिटेड सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि नट्स हो गए, कुछ स्पेसिफिक फिश हो, जो हमारे पास अमेजिंग ऑयल है ओमेगा 3, उससे उससे क्या होता है आपका ब्रेन हेल्थ अच्छा रहेगा, जॉइंट्स अच्छे रहेंगे, साथ में वजन कम होने में भी मदद करेगा। आपने देखा होगा अगर गंदा पानी का ग्लास है उसको साफ करने के लिए अच्छी तरीके से अच्छे पानी को ऐड करना जरूरी होता है, वैसे ही हमारे शरीर में जो अतिरिक्त चर्बी है उसको निकालने के लिए अच्छी ओमेगा 3 फैट का सेवन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तब जाके दिमाग में अच्छा आ, आ, अच्छा हिंट होगा, दिमाग को पता चलेगा कि हाँ मुझे गलत चीजों को पिक नहीं करना है, ठीक है? तीसरा पार्ट है हमारा प्रोटीन। देखिए हाँ मैंने कार्बोहाइड्रेट का क्या बोला था, 1 ग्राम 4 कैलोरीज, अगर फाइबर के साथ नहीं लोगे तो वो नुकसान दे सकता है अगर आप ज्यादा मात्रा में खाओगे। लेकिन प्रोटीन का मजा देखिए, 1 ग्राम 4 कैलोरीज, लेकिन प्रोटीन शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन खास तौर पे जो हमारे ब्रेकफास्ट में, जो हम सब ये फैमिली मेंबर्स अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड नाइट डिनर में जिस तौर पे, जिस फूड से हम लोग प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं, वो सबसे अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन है जिसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हमें हमारे दिन भर का प्रोटीन का इंटेक कितना चाहिए वो मालूम होना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल, मेरा वेट अभी 68 kgs है, तो मिनिमम मुझे 68 ग्राम्स प्रोटीन मेरे 12 घंटे की ईटिंग विंडो में चाहिए, सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग 7 to 7 मेरा जो ईटिंग विंडो है उसमें मुझे
मेरे वेट के अकॉर्डिंग उतना ग्राम प्रोटीन इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, मेरे मसल्स अच्छी तरीके से गेन करेंगे, सेकंड मेरी एनर्जी हमेशा अच्छी रहेगी, प्रोटीन की वजह से मेरी बॉडी का हीलिंग होगा एंड वेट मैनेजमेंट पे मुझे सपोर्ट मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, अगेन कैलोरीज आनी है तो हेल्दी फाइबर, हेल्दी फैट एंड हेल्दी प्रोटीन इंटेक से आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हो तो गेट कनेक्टेड विथ योर कोच, जो बताएंगे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, मतलब हालांकि एक एवरेज रेशियो के अंदर अप टू 1500 टू 2000 कैलोरीज हर एक जिंदा इंसान को, अडल्ट इंसान को एनर्जी की उतनी जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोचेस आपको इंडिविजुअली गाइड करेंगे कि आपके बॉडी का कैलोरिक इंटेक कितना होना चाहिए। जैसे कि मेरा 1400 किलो कैलोरीज का डेली का इंटेक है, राइट, ये मेरा बॉडी का कैपेसिटी है। जैसे कि ये 300 ml का ग्लास है, आधा लीटर का बॉटल होता है, 2 लीटर का बॉटल होता है, मेरे शरीर का कैलोरी का कैपेसिटी है 1400 किलो कैलोरीज। तो समझिए, अगर मेरा जो करंट वेट है उसको उसी तरीके से मुझे मैनेज करना है तो मुझे मेक श्योर करना है मॉर्निंग 7 टू नाइट 8, ये मेरे ईटिंग विंडो में मुझे 1400 किलो कैलोरीज को पार नहीं करना है खाने के जरिए से, तभी जाके मेरा जो वेट है वो कांस्टेंट रहेगा। अमेजिंग वेट लॉस चैलेंजर्स, आप जो कोशिश कर रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, आपके डिजायर कैलोरी बॉडी के इनटेक से 500 से 400 कैलोरीज का डेली खाने में से आप कम ले रहे हो। दूसरी चीज आप क्या बढ़ा रहे हो, वर्कआउट। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको हेल्दी तरीके से बॉडी से एक्सेस अननेसेसरी वेट को घटाना है, जो कि बॉडी फैट का रहता है, वाटर रिटेंशन का रहता है, तो आपको 2 से 3 चीजें करनी है। किसी भी चीज को आप एक दूसरे से रिप्लेस नहीं कर सकते, जैसे कि पहले आपको आपके मील को, आपके डेली कैलोरिक इंटेक को कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे कि मुझे वजन घटाना है तो मुझे 1200 के कैलोरी नीचे, 1200 किलो कैलोरीज के नीचे एवरेज रिकमेंडेशन है कि आप दिन भर कंज्यूम करो। अगर आप 1200 से कम खाते हो तो आपको वीकनेस आ सकता है, तो मुझे मेरा मील प्लान 1200 कैलोरीज तक मेंटेन करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नींद का पैटर्न मेरा अच्छा करना है। थर्ड, मुझे एक्सरसाइज करनी है डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास कैलोरी का लिमिटेशन है, तो मुझे कुछ कैलोरीज जो शरीर के अंदर जा रहे हैं वो पसीना निकाल के बर्न करने हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज न्यूट्रिशन को ऐड करना खाने में। ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग है। अगर आप न्यूट्रिशन ऐड करो लेकिन स्लीप नहीं ले रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, प्रॉपर आपका कैलोरी इंटेक मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप खासा चेंज नहीं देखोगे आपके वेट में। लेकिन ये चारों चीजों को आप मेंटेन कर पाते हैं अलॉन्ग विथ कैलोरी मैनेजमेंट एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी फूड, तो डेफिनेटली यू कैन सी द डिफरेंस इन योर वेट डे बाय डे। जैसे 21 डेज चैलेंजर्स ने आपका day 1 पे वेट सबमिट किया था एंड 21st day का आपका वेट, तो कैलोरी मेंटेन करने। और एक चीज, जिस चीज पे कैलोरी मेंशन करनी पड़ती है, जो मार्केट में रैंडम आप पिक कर लेते हो, जिसके पीछे कोच नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा वो चीजें शरीर के लिए हेल्दी नहीं है। मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड नाइट का डिनर कैलोरी कंट्रोल्ड है, मैं मेरे कोच के गाइडेंस के अंडर उसको इस्तेमाल कर रही हूँ और वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, तो वो मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन जितनी भी हेल्दी लिख के मार्केट में चिप्स आते हैं, उसका आपको कैलोरी इंटेक जो पीछे चार्ट दिया होता है, ना कि फ्लेवर चेक करना है, वो कैलोरी इंटेक का चार्ट देख के आपको कंज्यूम करना है। कई बार ऐसे होता है आप 10-15 रुपए का जो पैकेट खरीदी करते हो उसको 4 भागों में डिवाइड करना जरूरी होता है, जो हम अकेले निगल लेते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं। दूसरा पार्ट, अगर ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, जो जो नेचर में अवेलेबल फ्रूट्स है जिसपे कैलोरी लिख के नहीं आती है, उन्हें हमें एज इट इज रॉ कंज्यूम करने की कोशिश करनी, जैसे कि नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, एग्स जो सिंपल बॉईल करके आप ले सकते हो, चिकन भी हम बोलते हैं उसको, मसालों में मत लपेटो, जितना सिंपल रख सकते हो उतना फूड को सिंपल रखो और खाने को सादा तरीके से जियो।
और कैलोरी मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ आपको डीप फ्राइड चीजों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, अदरवाइज ऐसी कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है जो आप हमेशा के लिए छोड़ नहीं सकते। जैसे कि राइस हो गया, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप सही चीजों को कम सही चीजों के साथ कंबाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका कैलोरी का जो गोल इनटेक है, जो गोल है आपका दिन भर का, उसको सही तरीके से मेंटेन करने में आप सफल रहोगे। जैसे हम कोचेस ने और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने डिसीजन लिया, हम इतने स्मार्ट नहीं है, हमारे पास कोई एजुकेशन का डिग्री नहीं है, तो सिंपली हमने हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड नाइट का डिनर रिप्लेस कर दिया। दिन भर जो भी अनाप शनाप जा रहा है पेट में, अनहेल्दी खाना जो हम बाय डिफॉल्ट खा रहे हैं, उसको कंबाइन किया विथ हेल्दी फूड जो साइंटिफिकली डिजाइन है, कैलोरी कंट्रोल्ड है, तो हमने हमारा काम आसान कर दिया। तो ये सिंपल भाषा में कैलोरी को मैनेज करना है, सिंपल होलसम टेस्टी एंड अमेजिंग चीजें हमें जो नेचर में अवेलेबल खानी है, डेफिनेटली यू कैन अचीव योर कैलोरी मैनेजमेंट का गोल। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। बैक टू यू जीविता मैम, थैंक यू।